अंतर्राष्ट्रीय आठवां योग दिवस के मौके पर तारापुर मंडल अध्यक्ष विनीत सिंह ने भाजपा कार्यकर्ता के साथ किया योगाभ्यास। रोहित कुमार की रिपोर्ट। योगाभ्यास सिखा रहे भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मनमोहन चौधरी कहते हैं, 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। साल 2015 से प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नित्य योग व्यायाम करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग व्यायाम से हमें एक अंतरिक्ष ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे अंदर एक गजब का साहस पैदा होता है। हम संयम रखना सीखते हैं, एकाग्र होना सीखते हैं, आवेश क्रोध आदि विकारों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का विशेष महत्व है। वही योगाभ्यास में मौजूद भाजपा आईटी सेल के जिला संयोजक साहिल राज सिट्टू, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मंगल सिंह मंगल, शुभम राव, दीपू कुमार, पवन शाह, मांतेश कुमार, आलोक, राजीव, नीरज, संदीप व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।